श्रीनगर के पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव श्रीनगर के डाउनटाउन लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें पुलिस के अधिकारियों और परिजनों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। वहीं पुष्पांजलि समारोह के बाद उनके परिजनों और लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। हम लोग लास्ट ईयर एक बहुत सारे व्हाट्सएप पर एक मीटिंग करने के बाद SOP जारी किए थे, हर एक पुलिस ऑफिसर और हर एक कांस्टेबल जितने हमारे सहयोगी हैं कि घर पर जाए, छुट्टी पर जाए या कहीं भी घर जाना हो, बिना हथियार के जाना हो तो किस ढंग से रहना चाहिए, जागरूकता फैलाई गई थी और सारे को बताया गया था। लेकिन कभी कभी इसमें कमियाँ हो जाती है तो जिसका हम लोग को भुगतना पड़ता है। इसके साथ कोई इनपुट शेयर हुआ था कि देयर कैन बी अ पॉसिबल अटैक, जो एडवाइजरी पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है? बिल्कुल एडवाइजरी इनपुट भी था, हर एक को पुलिस डिपार्टमेंट हर एक सहकर्मी को बताया भी गया था, फिर भी कभी की चूक हो जाती है और आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जितने भी सिपाही ऑफिसर है, चाहे DSP साहबान है, SHO हो गया, जोनल SP हो गया, डिस्ट्रिक्ट SP हो गए, उन लोगों को हिदायत दिया गया है कि अपने मुलाजिम को बार बार पुलिस लाइन में जब मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो उनको बार बार बताया जाए SOP के बारे में। SOP को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इकोसिस्टम है सर, से उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, NISI और प्रॉपर्टीज अटैच किए जा रहे हैं? जैसा कि बिल्कुल जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि जो हर होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं टेररिज्म फाइट करने के लिए, जिसमें कैनेटिक नैन कैनेटिक ऑपरेशन दोनों किया जा रहा है, हो रहा है, तो उसका पार्ट है ये जारी रहेगा और उसमें हम नैन कैनेटिक ऑपरेशन में और जोर दे रहे हैं हम लोग। आपको बता दें 29 अक्टूबर को लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी की गोली लगने से वानी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका निधन कल एम्स दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया। आज उनके पैतृक गाँव में पार्थिव शरीर पहुँचने के बाद लोगों ने श्रद्धांजलि दी।